आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चक्रव्यूह जो है वो भेदने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार सुबह 7 बजे से ही जारी है। तो निकाय का आखिरी रण अब शुरू हो चुका है, निकाय अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, यानी कि दूसरे चरण के लिए जो मतदान है वो लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ भाजपा और सपा के बीच कई क्षेत्रों में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, तो यही वजह है कि जो लगातार है अब जनता के हाथ में ये फैसला है और अब जनता ही अपने निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और सुबह 7 बजे से जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कहीं ईवीएम में तो कहीं बैलेट पेपर के जरिए कैद कर रही है। इस दौरान निकाय चुनाव के दूसरे चरण पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं आम जनता से यही कहना चाह रही हूँ कि आज 9 वर्षों से मैं आपकी सांसद हूँ, भारत सरकार की मंत्री हूँ और मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार राज्य में है। हमारी यही कोशिश है कि हमारा यह पिछड़ा जनपद आगे बढ़े, यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए। और 9 सालों में ये मेरे खोखले वादे और दावे नहीं रहे हैं, बल्कि आपने देखा है मिर्ज़ापुर इन 9 वर्षों में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों में यहाँ पर जो काम नहीं हुए वो सारे काम यहाँ पर हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, पासपोर्ट ऑफिस बना है, हमारी रीवा से लेकर बनारस तक की 4 लेन की सड़क बनी है, 50 बेड का आयुष अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज आने जा रहा है, विंध्य विश्वविद्यालय यहाँ पर बनने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सपने जो मिर्ज़ापुर की जनता ने देखे थे, इन 9 वर्षों में हमने बहुत सारे उन सपनों को पूरा करके दिखाया है। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा ये जनपद आगे बढ़े, विकास की दृष्टि से अग्रणी बने। और इसके लिए कल आपने 96 के उपचुनाव में भी मतदान किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अपना दल के प्रत्याशी के पक्ष में आपने मतदान किया है। और आज हमारा नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगरपालिका है, मिर्ज़ापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत, और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कराएंगे। मैम कर्नाटक पे क्या कहेंगे, कर्नाटक चुनाव के? देखिए, अभी एग्जिट पोल्स आए हैं, अपना अपना आकलन है और एग्जिट पोल्स 100% सही नहीं होते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप जिस दिन हमारे नतीजे आने हैं 13 तारीख का इंतजार कीजिए। मैम केरल मूवी पे विवाद खड़ा हो रहा है, उसमें कई विपक्ष के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, उससे आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई मूवी अगर आई है तो उसको देखिए, उस पर आपका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर किसी उसको लाया गया है तो देखना चाहिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का चुनाव, हम प्रदेश के द्वितीय चरण के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, अपने घरों से निकल करके कृपया मतदान के लिए अवश्य जाएं। मतदान एक पुनीत कार्य है, आपके मतदान करने से जो नगर की सरकारें हैं, जो शहरों की सरकारें हैं, वो बेहतर कैंडिडेट चुन सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को घर घर पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः अपील करता हूं, कृपया सभी लोग एकजुट होकर के मतदान के लिए निकले और पहले मतदान फिर जनपद के नियम को अपनाते हुए मतदान बूथ तक जाकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की वोटिंग डालनी चाहिए सबको, है ये हम सबका अधिकार है, इससे हमें देश की भलाई होती है। तो आपने सुना कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो वही अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि जिस तरीके से 96 में जनता उन पर भरोसा जताएगी जिसके नतीजे 13 को आएंगे, तो उसी तरीके से इस बार भी जो जनता आज निकाय चुनाव हो रहे हैं उस पर भी भाजपा की और अपना दल की जो प्रत्याशी है उनकी जीत एकदम तय है।
तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का सियासी संग्राम अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ही इसको लेकर के मतदान जारी है, जिसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना दमखम दिखाते हुए जोरों शोरों से चुनावी प्रचार किया था, जनसंपर्क किया था, डोर टू डोर कैंपेन किया था और विशाल रैलियों के जरिए जो जनता है उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास किया था। तो आज उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस दौरान जनपदों की जो जनता है उनका कहना है कि वो इस बार विकास के नाम पर वोट देंगे। उनका मुद्दा है विकास, जिस प्रत्याशी ने उनका विकास किया है इन 5 सालों में या जिन प्रत्याशी पर उन्हें भरोसा है कि हो सकता है कि वो अगर 5 साल बाद उनका विकास कराए तो उन्हीं प्रत्याशियों पर जनता इस बार मोहर लगाएगी और उसे वोट देगी और उसे के सर पर जीत का ताज बनाएगी। लेकिन अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में जो मेयर की सीटें थी उसमें 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा था और 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। तो उन 2 सीटें जिन पर बीएसपी काबिज हुई थी उस पर भी इस दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं, वो सीटें थी अलीगढ़ और मेरठ। इन दोनों ही सीटों पर बीएसपी के मेयर कायम थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रत्याशियों को समीकरण करते हुए, प्रत्याशियों को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, तो इस बार एक बड़ा फेरबदल भी जब नतीजे आएंगे तो उसमें देखने को मिल सकता है। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो सभी पार्टी उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन जनता का साफ तौर पर कहना है कि उनका मुद्दा है विकास, जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा, जो उनके शहर का विकास करेगा, जो उनके लिए सोचेगा सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को वो वोट देंगे। तो सुबह 7 बजे से ही मताधिकार का जो दौर है वो जारी है, जो शाम को 6 बजे तक बंद हो जाएगा। तो निकाय के रण में किसका होगा विजय तिलक? जी हाँ, ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा है और ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि पहले चरण की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुकी है 4 मई को, तो वहीं आज दूसरे चरण की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, जिसको लेकर जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए चुनावी मैदान में दिखे थे। तो आज अब उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, कहीं बैलेट पेपर्स के जरिए कैद होगी, जिसका खुलासा 13 मई को होगा जब वोट काउंटिंग शुरू होगी। तो 9 मंडल के 38 जिलों में आज सुबह से ही मतदान जारी है, लेकिन शाहजहांपुर ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनने जा रही है। यही वजह है कि यह सीट काफी अहम हो जाती है और लगातार जो तमाम दिग्गज है उनके साथ भी चुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अयोध्या, कानपुर, शाहजहांपुर ये सभी हॉट सीटों में से एक है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है दूसरे चरण के मतदान के दौरान। तो निकाय चुनाव के रण में आखिर विजय तिलक किसका होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सपा से प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा से प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिलहाल मौजूद है। तो पहले तो मैं आप सभी का प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रविंद्र जी, सीधा मैं आपके पास आऊंगी और सवाल की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। रविंद्र जी, इस बार भी चुनाव में जो चुनाव आयोग है उसको लेकर के ट्वीट किया गया है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, तो वहीं सपा प्रत्याशी अर्चना पांडे को मतदान के दौरान रोना भी पड़ गया। अभी तो आप देख लीजिए, खाली वहीं पर नहीं हुआ, दादरी में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, तो जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती अर्चना पांडे बुलंदशहर से, उनके साथ जबरदस्त अभद्रता की गई और पुलिंग बूथ के पास में, फिर दादरी के जो विधायक हैं उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया है पुलिंग बूथ जाके। ये आदत है इनकी, पिछले अभी कल हम लोगों ने चिट्ठी लिख के भेजा था जब उपचुनाव हो रहे थे। देखते हैं ऐसा करके ये अपना ही नुकसान करेंगे, हमारा क्या नुकसान करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में ही अगर आप देखेंगे तो आज वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। 11 बजे तक ऐसा हो गया था बहुत जगह 30% तक वोटिंग हो गई थी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और निश्चित रूप से कम 7 जगहों पे चुनाव हो रहा है, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और कानपुर जीतेंगे। बिल्कुल अश्विनी जी, अभी आपने सुना कि बिल्कुल रविंद्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहा है, यही वजह है कि जो सपा की प्रत्याशी है उसको रोना तक पड़ गया, उनके साथ अभद्रता तक कर दी गई है।
जी अश्विनी जी, तो अश्विनी जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, मैं वापस उनके पास आऊंगी, लेकिन सुनील त्रिपाठी भी सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के दौरान अभद्रता की खबरें आना आम हो जाता है और लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, तो क्या वाकई में अपने करियर में आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है जैसा विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जी। ये जरूर है कि चुनाव चुनाव जब संपन्न होते हैं तो इस दौरान दिक्कतें तो प्रशासन को भी आती हैं और चुनाव आयोग को भी आती हैं जी। क्योंकि आप पहले देखे होंगे जिस तरह से बूथ कैचरिंग होती थी, आज बूथ कैचरिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। घर से लोग वोट डालने निकलते थे, रास्ते में रोक लिए जाते थे या उन पर दबाव बनाया जाता था, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, इस व्यक्ति को वोट दीजिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कैप्चर हो रहा हो, बूथ कैप्चरिंग हो रही हो। बाकी छुटपुट घटनाएं तो प्रदेश भर में कहीं कहीं होती रहती है चुनाव में। क्योंकि देखिए मैं ऐसा ना कि चुनाव टाइम में हर आदमी हर सरकार हर दल चाहता कि हमारी शहर में सरकार बने, बिल्कुल। और इस नाते से कुछ लीगल कुछ इनलीगल भी कार्य राजनीतिक लोग करते रहते हैं और उसमें मेन चुनाव आयोग को मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग कहीं भी ऐसा नहीं है, जहां शिकायतें हो रही हैं वहां निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग में जो अधिकारी रहे हैं वर्तमान में भी जो हैं उनकी अपनी एक निष्ठा ईमानदारी सेवा काल में रही है, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि कहीं हमारी इस पे दाग लगे। और बाकी सत्ता पक्ष पे तो हमेशा आरोप लगता है, अभी समाजवादी पार्टी होती तो भाजपा को आरोप लगाते हैं, बिल्कुल, कि हमारी हमको उड़ने डालने दिया जा रहा है, हमारा सतर्कता हो रही है, ये तो बड नेचर है। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, ये इससे हम सहमत नहीं कि निष्पक्ष नहीं करा रहा है जी। मैम बिल्कुल ठीक है। रविंद्र प्रताप जी, अभी आपने सुना कि जो सुनील त्रिपाठी जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, लेकिन अब मैं शाहजहांपुर सीट की बात करूंगी जहां पर पहली बार जनता मेयर चुनेगी और ऐसे में जो आप ही का प्रत्याशी था वो भाजपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया अर्चना वर्मा और आपने प्रत्याशी बनाया माला राठौर को, तो क्या आपको लगता है कि अर्चना वर्मा कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों को बदलने में एक कारगर साबित हो सकती है भाजपा की तरफ से? एक एडिशन कर दूं कि जो दो नगर निगम पड़े थे तो उसमें से एक शाहजहांपुर है, एक अयोध्या जी है, दोनों जगह आज चुनाव हो रहा है। नहीं सर, अयोध्या में पहली बार भी हो चुका है, शाहजहांपुर में पहली बार ये जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, आप कहते रहिए, लेकिन अयोध्या जी और फैजाबाद को मिला के पहली बार नगर निगम बना है। ठीक है ठीक है, तो दोनों जगह इस बार चुनाव चल रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, बताते विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको एक प्रत्याशी की कमी पड़ गई शाहजहांपुर जैसे जगह पे जहां दो बहुत प्रमुख लोग रहते हैं। एक तो अजेय मंत्री हैं जो खन्ना साहब हैं, आज तक चुनाव नहीं हारे हैं शाहजहांपुर से। एक वहां बहुत बड़ा मठ है जिसको चिन्मयानंद देखता है, उसका प्रभाव है, और वहां पर उनको प्रत्याशी नहीं मिले तो ये भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न है, जीतता कौन है हारता कौन है, इससे पहले ये प्रश्न लग चुका है। अब दूसरी बात है कि एक अजेय मंत्री है वहां पे और पुराने भाजपाई हैं, और दूसरा चिन्मयानंद इतना प्रभावशाली है, उसके बारे में अभी कहेंगे तो समय खराब होगा, बिल्कुल। तो वहां पर सरकार क्या करेगी, इसलिए जब मैंने बोला कि हम मेरठ अलीगढ़ और बरेली कानपुर जीत रहे हैं तो मैंने शाहजहांपुर नहीं जोड़ा उसमें, इसलिए नहीं जोड़ा कि मैं जानता हूं कि वहां पर पूरी सरकार लगा दी गई होगी चिन्मयानंद के और उसके आदरणीय खन्ना साहब के इज्जत को बचाने के लिए। तो वहां पर क्या परिणाम आएंगे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि उनको वहां अपना प्रत्याशी नहीं ले पाए जहां से एक अजेय मंत्री है उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को मैं इसी नजरिए से देखता हूं। बिल्कुल अश्विनी जी, अभी आपने सुना रविंद्र प्रताप सिंह जी ने साफ तौर पर यह कहा कि शाहजहांपुर में आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, यही वजह है कि आपने सपा के प्रत्याशी को अपने खेमे में शामिल कर लिया। देखिए ये प्रत्याशी के इधर से उधर जाने के बाद की हताशा है और वो हताशा आज अभी
इनके मुंह से सुनाई दे रही है। हताशा तब होती है जब पार्टी, देखिए चुनाव होता है बहुत से लोग इधर से उधर जाते हैं, समाजवादी पार्टी में उनको घुटन महसूस हो रही होगी, समाजवादी पार्टी में उनको दिक्कत हो रही होगी, या जो भी कारण रहा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रत्याशी कहीं भी हो सकता है, कहीं भाजपा का भी प्रत्याशी कहीं गया, लेकिन ऐसा तो कुछ वो नहीं है, भाजपा का टिकट भी कई लोगों को इन लोगों ने दिया होगा। ये चुनाव है, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये हताशा दिख रही है, इतना साल हो गया पूछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव जीते हुए मेयर का, 16 साल 2007 के पहले ये लोग चुनाव जीते थे, बरेली में कांग्रेस के एक मेयर हुआ करते थे, बाकी अभी बसपा के मेयर पीछे दो है थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कहीं टिक नहीं पा रही थी, ना कांग्रेस कहीं टिकी है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभी चुनाव इतने शानदार तरीके से हो रहे हैं कि सभी नगर निगमों में हम फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक वाक्य बताऊं, मेरे पास एक दूसरे दल का मैं बताऊं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अयोध्या से फोन आया हमारे पास, उसने कहा कि भाई साहब आपको अग्रिम बधाई। मैंने पूछा भाई अभी आपने घोषित कर दिया, कह रहे हैं कि सारी दलीय सीमाएं टूट गई हैं अयोध्या में और आपके मेयर प्रत्याशी महंत जी चुनाव जीत रहे हैं, अब बताइए। दूसरे कई जगह से जो है इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी और उसके ऊपर से देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव जी इसको सेमीफाइनल मान रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सेमीफाइनल में वो बहुत तगड़ा मूंगी खा रहे हैं और 24 का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए उनको, उनको हार मान लेना चाहिए, वॉकओवर दे देना चाहिए दूसरे दलों। ठीक है सुनील जी, मैं सीधा आप पर आती हूँ। सुनील जी, अक्सर निकाय चुनाव को लेकर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये शहर का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है, सड़क पानी से लेकर घर जैसे मुद्दे है इसका चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में किसी पार्टी ने विकास की बात नहीं की। हमेशा बात हुई है ट्रिपल इंजन की, या तो सरकार की, या तो फिर अतीक अशरफ हत्याकांड की, या तो फिर कानून व्यवस्था की। सबसे पहले तो मैं शाहजहांपुर के जिस खन्ना जी की मंत्री चर्चा कर रहे थे आप अर्पित साहब, तो सत्य है कि खन्ना जी को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। शाहजहांपुर में उनके प्रतित्व और व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है मैम, और मैंने देखा कि सदन में शायद उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे विधायक खन्ना जी रहे हों जो छोटी छोटी जनता की समस्याओं को सदन के पटल पर रखते थे। अपने जीवन में दो चार ही हमने देखे ऐसे विधायक जो जनता की समस्याओं के निदान के लिए विधानसभा सत्र के पटल पर रख करके समाधान कराते हूं। बाकी तो मैं देखता हूं लोग आते हैं क्षेत्र चर्चा भी नहीं करते हैं, बैठे हैं चले जाते हैं। यही खन्ना जी का कृतित्व है कि शाहजहांपुर में बच्चा बच्चा उनको मानता है, और मेरा मानना जब तक वो रहेंगे प्रभु कृपा से शाहजहांपुर में उनको हराने वाला कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। और आज भी आप देखिए कोई भी समस्या लेके आप सुरेश खन्ना जी के आवास पे चले जाइए, उनसे जो हो सकता है उसका निदान करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं, तो अगर सबसे पहले देखना चाहिए कि इनके इनका कार्यकर्ता या इनका पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में गया तो क्यों गया। अगर किसी को उपेक्षा या हार महसूस नहीं होगी हम समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसलिए नेता तभी दल बदलता है, मेरा मानना है कि जब उसे लगता है कि अब हम इस दल में हमारा महत्व नहीं है या इस दल के प्रत्याशी के रूप में हम पराजित हो जाएंगे, ठीक है, तभी लोग दल बदलकर दूसरे दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि अखिलेश जी भी चुनाव में चुनाव के प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़े हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जिनका एक सूत्र नारा रहा है विकास और अपराध मुक्त समाज, तो अब इसी पे मैम चुनाव होगा, जनता चुनेगी कि भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए उसे या अपराध युक्त समाज चाहिए, ठीक है। इसके नतीजे तो 13 मई को सर जब आएंगे तो पता ही चल जाएगा। लेकिन मेरे सवाल पर सर, ठीक है, मैं अपने सवाल पे वापस लौटती हूँ। जो मेरा सवाल आपसे था कि इस बार के चुनाव में भी यूं तो अमूमन ये चुनाव क्षेत्र के समस्याओं का चुनाव होता है, लेकिन इसमें अतीक अशरफ हत्याकांड का जिक्र करना, कानून व्यवस्था का जिक्र करना, ऐसा क्यों? देखिए मैं कानून व्यवस्था तो फिर कहना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में न कोई आया है न भविष्य में आएगा जो लॉ एंड ऑर्डर पे सख्ती से कार्य कर रहा हो और कार्य किया हो,
जी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भी कई ऐसे रहे, लेकिन इतना बड़ा कदम अपराधियों के खिलाफ उठाना उनके बस की बात नहीं है। जैसा योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को त्रस्त कर दिए हैं और सरेआम मंच से कह रहे हैं कि जनता चंगी है, आराम से रह रही है, न कोई दंगा है। रविंद्र जी कितने सहमत है, क्या वाकई में यूपी की जनता आराम से रह रही है, क्या वाकई में यूपी में सब चंगा है? रविंद्र जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मंच से भजन नहीं किया जाता है, विरोधियों पर प्रहार किया जाता है। जो बातें हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे हैं वो तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। अब जरा, क्योंकि ये मंच से चढ़ के मैं भी कह दूंगा कि सब खराब है, और योगी जी के पास बोलने के लिए वो शब्द हैं जो भारतीय राजनीति में आज तक किसी ने नहीं बोला। पट्टा, गुंडा, बम, माफिया, आज तक भारतीय राजनीति में मंचों से चढ़ के कोई नहीं बोला। अब जो ये दावे कर रहे हैं विश्लेषक महोदय, आदरणीय शाही जी ने दावा नहीं किया, ये जो दावे कर रहे हैं, हम कहेंगे कुछ नहीं हुआ, वो कहेंगे बहुत कुछ हुआ। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4 बॉडीज बनाई हुई है। इन दावों को आप परखिए, एक तो कोर्ट्स हैं जो देखती है कि सारी बॉडीज काम कर रही हैं कि नहीं, दूसरा नीति आयोग है क्या विकास किया राज्य ने, तीसरा NCRB है क्या अपराध हुआ क्या अपराध नहीं हुआ, तीसरा NHRC है कि जो गाइडलाइन दी गई है, इन सारी गाइडलाइन में फेल है ये। नीति आयोग कहती है कि आप गरीबी खत्म करने में नीचे से 5वें हैं, ओवरऑल रैंकिंग 19वीं देती है, जेंडर इक्वेलिटी में 14वां स्थान है, एजुकेशन में 18वां स्थान है, और NCRB। ठीक है रविंद्र जी, अगर आप इतने सारे डेटा और आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं तो अगर वाकई में अगर आपकी सरकार ने ये सारी चीजें खत्म की होती तो 2022 का विधानसभा चुनाव भी आपके पक्ष में जाता, और जो 2017 का निकाय चुनाव की मेयर सीटें थी फिर वो भी आपके पक्ष में जानी चाहिए थी, लेकिन 2017 की मेयर सीटों पर आपका 0 प्रत्याशी जीता था। 2017 के बाद जो पंचायत चुनाव होता है हम 760 जीतते हैं, ये 720 जीते हैं, तो क्या आकलन करेंगे? और 2022 का विधानसभा चुनाव फिर क्या आकलन करेंगे आप, ये बताइए। 57 सीटें हमने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, उससे पीछे भी आ जाइए, लोकसभा सीटों में हमने 10 सीटें हरा दिया उनको। हमारे अब आपने 22 का बात कहा था, हमने अपने 10% मत बढ़ा लिए जो आप कह रही हैं। आपने कहने नहीं दिया, एक बात कह पूरी कर लेनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं, ये फिर कहती है NCRB कहती है जो AVG कह रहे हैं सब चंगा, तो योगी जी ने ही निकाला है कि 64 अपराधी अभी हैं उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद अपराधी, तो कहां सब चंगा हो गया, लेकिन NCRB की रिपोर्ट क्या कहती है? चलिए ठीक है, मैं NCRB की रिपोर्ट पर किसी और दिन आऊंगी सर, फिलहाल आज मेरे डिबेट का जो मुद्दा है वो है निकाय चुनाव, क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है। चलिए ठीक है अश्विनी जी, मैं सीधा आप पर आती हूँ। आपने अगर हम 2017 की बात करें तो मेयर की 14 सीटें तो आपने जीती हैं, लेकिन अगर हरदोई और नगर पालिका की सीटों पर हम एक नजर डालें तो 3 में से 1 सीट पर आपका कब्जा था, हरदोई में 0 सीटें थी आपके पास, और वही बुलंदशहर में 9 में से महज 2 नगर पालिका की सीटें आपके कब्जे में आई थी। तो भले ही आपने मेयर की सीटें 2017 में जीती हो, लेकिन नगर पालिका की सीटों में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी 2017 के आंकड़ों में। देखिए ये लोकतंत्र है, और अभी हमारे राघवेंद्र जी कह रहे थे कि हमने इनको 10 सीट हराया, भाई आपने 5 सीट जीता तो 10 सीट हराया कैसे? 10 जो आपने 10 सीट तो मायावती जी ने जीता और 5 सीट आप लोग मिलकर चुनाव लड़े, बाद में आप 3 हफ्ते भी नहीं चला, बाद में आपका वोट उधर नहीं गया, उनका वोट उधर नहीं आया, बवाल आप लोगों ने किया, तोड़ लिया सब, 5 सीटें आपकी थी और ऐसा 3 रह गई हैं। देखिए अब नगर पालिका की बात आप जहां कर रही हैं, पूरे प्रदेश में अगर नगर पालिका का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, MP का चुनाव हो, कुछ जनता जो है इन दलों के साथ भी है, तो ये लोकतंत्र में ये कहना कि नहीं नहीं हम सभी जीत रहे हैं ये भी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये देखिए आपने कि हमको कितनी नगर पालिका जनता ने जिताया, कितनी नगर पंचायतें जनता ने जिताया, कितने मेयर हमको दिए। मेयर का चुनाव जो माना जाता है, देखिए हम 14 मेयर रहे, इन लोग बसपा के पास 2 मेयर रहे, अब इस बार बढ़ा है, फिर अब हमको लग रहा है कि 17 के 17 हम जीतने के प्रयास में रहेंगे। दूसरी बात, आपको अभी यहाँ पर अपराध और उसकी बात हो रही थी, तो एक दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी
इन नगर निगम के चुनाव को कूड़ा उठाने का चुनाव कह रहे थे। किस तरीके से इसको देखते हैं प्रदेश को, और उसके बाद ये अपराधियों के सफाया पर आपका जवाब दे रहे थे, उनका ही जवाब आया, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। एक महिला अपराधी है, उसको अगर माफिया कह दिया गया प्रशासन के द्वारा और इनाम है, कितना बुरा लग गया पल्लवित और पुष्पित करने वाले लोगों को। तो इन्हीं माफियाओं का सफाया किया जा रहा है, और इसको हम कूड़े का चुनाव नहीं मानते हैं, हम शहर को विकसित करने का। आप देखिए अमृत योजना में किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, शहरों में प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है, हर घर से नल को जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। आज शहरों का जो विकास हो रहा है, कूड़ा उठाने के लिए हर जगह व्यवस्थित व्यवस्था की जा रही है, जहां पर गलत है उन एजेंसियों को हटाकर सब व्यवस्था किया जा रहा है, एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए उत्तर प्रदेश में। और हर नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं, नगर निगम में अपना जो है एक उसका प्लान है, उसका बजट है, जिसका समुचित प्रयोग लोक कल्याण में भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को कहीं कूड़ा नजर आता है और कहीं पर माफिया कोई नजर आता है, जिसको ये लोग कहते हैं, क्योंकि मुद्दों का इतना बड़ा दिवालियापन आज तक कहीं नहीं देखा गया था विरोधी दलों में, कि मुद्दों का दिवालियापन है। उसके एक ही एकमात्र कारण है योगी आदित्यनाथ जी का सुंदर और सख्त प्रशासन। सुंदर और सख्त प्रशासन से उत्तर प्रदेश की जनता आज खुशहाल है। सुंदर मान लीजिए सारी चीजों में, और सख्त का मतलब है कि कोई भी हो, हम भ्रष्टाचार से, हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उस पर है, और धीरे धीरे इतना जो अपराध हर जिले में एक एक अपराध खत्म किया, 64 की बात कर रहे हैं अभी, वो 164 निकलेंगे तो भी हम लोग निकाल के उनको जेलों में भेजेंगे, उनको उनके स्थान दिखाएंगे उनका, और अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उनके सीने में गोली मारेगी, ये भी हम लोगों ने किया है। इनके प्रधान मुख्यमंत्री जो है जवाहर बाग में एसपी की हत्या करवा देते थे, जो इनका आदमी था मथुरा में। ठीक है। अब मैं सीधा फिर से चलती हूँ सुनील जी के पास। सुनील जी, अगर हम 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो दो ऐसी सीटें थी अलीगढ़ और मेरठ की, जहां पर बीएसपी के मेयर प्रत्याशी काबिज हुए थे, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया, तो अखिलेश यादव ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। तो बतौर वरिष्ठ पत्रकार, क्या लगता है कि इस बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े फेरबदल के साथ सामने आएंगे? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमको भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के पदाधिकारी से बोलते हैं, शायद मेरी बात को पूर्ण से सुना नहीं होगा। मैंने कहा प्रचार में अखिलेश जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और मीडिया हमेशा निष्पक्ष होती है, लेकिन ये सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता है जी। इस चुनाव में अखिलेश जी भी अपनी ताकत पूरी लगाए, और योगी जी तो मेरी समझ से सबसे ज्यादा भ्रमण किए, सबसे ज्यादा अपनी बात जनता के समक्ष रखी, और इसी से मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव का भी रिजल्ट आएगा कि जनता किस मूड में है, किसको चाहती है 24 में जिताने के लिए। और देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातें जनता के समक्ष रखी, और अखिलेश जी भी जनता को प्रभावित करने के लिए अपने मुद्दे जनता के सामने रखे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं मैम कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त, जहां तक मुझे जानकारी है, दूसरा कोई भाजपा से मुकाबला करने वाला कोई दल नहीं बचा है। कांग्रेस में आप देखिए कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में आया ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी से भी कोई बड़े लीडर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इस चुनाव में, जबकि ये चुनाव जनता के लिए, शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं फिर सच्चाई साथ कह रहा हूं कि शहरों में आप देखिए, चाहे आप लखनऊ देख लीजिए, कि कूड़ा उठाने के लिए 50 रुपए पर घर पर खर्च लिए जा रहे हैं, लेकिन कूड़े के ढेर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो दिखाई पड़ते हैं वो उठ जाते हैं। तो शहर की सरकार है ये, जो आदमी जनता के साथ अच्छा व्यवहार, ठीक है सुनील जी, लेकिन आपकी मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कूड़े के ढेर उठ जाते हैं, कूड़े के ढेर यूं ही बरकरार रहते हैं। मैं आपको डिबेट के बाद कुछ तस्वीरें भी भेज दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। पुराने लखनऊ में कूड़े का ढेर हमें मिलता है, गोमती नगर एक्सटेंशन पे कूड़े का ढेर मिलता है, तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप सहमत हूँ या ना हूँ वो आप अपना लुक है। देखिए, इतने बड़े शहर में
आप इससे पहले जरा देखिए कि स्थिति क्या रहती थी। कूड़ा ढेर तो जिम्मेदारी हमारी आपकी है, गाड़ियां आती मैं देखता हूँ कि कूड़े के लोग कूड़ा नहीं देते, कूड़े गाड़ी वाले नहीं देते हैं, प्लाटों फेंक देते हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी, इससे पहले सर 28 साल से सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है, भाजपा का ही मेयर रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं रविंद्र प्रताप जी के पास चलती हूँ। रविंद्र प्रताप जी, यूं तो आप कहते हैं कि जनता का जनाधार आपके पास है, आपके लिए हर एक चुनाव जरूरी है, लेकिन अभी अश्विनी जी ने कहा कि आप ही के जो सुप्रीमो है वो ये कहते हैं कि ये कूड़ा बीनने वाला चुनाव है, फिर आखिर आप इस चुनाव को इस नजर से देखते हैं? जी रविंद्र जी, जी हाँ, मेरा सवाल आपसे कूड़ा दो जगह पे है। ठीक है, कूड़ा दो जगह पे है जी। एक एक तो लखनऊ का जिक्र आपने किया, तो मैं तो मुंशी पुलिया पे रहता हूँ और अभी मैं मेरठ में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मुंशी पुलिया पे अगर आप किसी भी समय चले आइए, चार सड़कें निकलती हैं, चारों सड़कों पे मेन रोडों पे कूड़ा मिलेगा, जबकि वो लगभग एनएच के दर्जे में है सात चारों तरफ सड़कें। अगर आप सीतापुर रोड से आईआईएम रोड पे चले जाइएगा तो उतने बड़ा कूड़े का भंडार पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है। पुराने गोरखपुर में सॉरी पुराने लखनऊ में चले जाइएगा तो ये फैजुल्लागंज से शुरू होते हुए चौक होते हुए आप काकोरी तक चले जाइएगा तो कूड़े का भंडार ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा बता दे रहे कूड़े के विषय में, कूड़े के विषय में एक यहाँ पर कंपनी से इको ग्रीन, इसको हटा दिया इन लोगों ने। इको ग्रीन को हटाने के बाद में जब प्रशासकों के हाथ में गया तो प्रशासक आज तक किसी प्रकार की कूड़ा ही नहीं, नाली साफ करने की व्यवस्था भी नहीं करा पाए हैं। चलिए ठीक है, कंपनी को हटा दिया गया, लेकिन इस चुनाव को कहीं ना कहीं इस आप ही के सुप्रीमो ने कहा है कि कूड़ा उठाने वाला चुनाव है। अश्विनी शाही जी का बयान आपने सुना होगा, अभी बता दिया मैंने। एक तो कूड़ा, दूसरा कूड़ा कहाँ बैठा हुआ है, 111 अपराधी बैठे हुए हैं विधानसभा में, जिसमें से दो मंत्री सजा याफ्ता हैं और 25 गंभीर अपराध के आरोपी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सारे गंभीर मुकदमे वापस ले लिए, मुख्यमंत्री ने गंभीर मुकदमे वापस। दूसरा कूड़ा विधानसभा में गुंडों के रूप में बैठा हुआ है। तो यह चुनाव जो अब से लेके है, ये पूरा ये दोनों प्रकार का जमीन का कूड़ा और विधानसभा का कूड़ा निकाल के बाहर करेगी। ठीक है, अश्विनी शाही जी, अभी आपने सुना कि क्या बोला रविंद्र प्रताप जी ने कि विधानसभा में कूड़ा बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं वो कूड़े से कंपेयर करते हुए नजर आए हैं। देखिए, अब इन लोगों को एक शहर, एक नगर और नगर के लोग कूड़ा अगर दिख रहे हैं तो कूड़े का चुनाव ये है, लेकिन हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि अगर जनता की कोई समस्या है, नगरी चुनाव है, नगरी जनता की जो भी समस्याएं हैं, पानी की है, लाइट की है, कूड़े की है, चाहे जिसकी भी समस्या है, वो हम दूर करेंगे। हम कूड़े का चुनाव नहीं कहते हैं इसको। हमको अब इनको तो लग रहा था कि उस कंपनी के ये प्रवक्ता है, सपा के नहीं है, वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई, कितने करोड़ रुपए का उसने इधर उधर किया, सब उसके ऊपर रिकवरी की जा रही है। और प्रशासन ने यहीं पर माननीय मंत्री जी ने कूड़े का ढेर जहां पर था वहां पर सेल्फी प्वाइंट बनाया है। आप इसको नहीं ध्यान देते हैं कि हम सफाई पर भी लगे हुए हैं। ये स्थितियां इतनी विकट हो रही हैं समाजवादी पार्टी के सामने कि इनको, मैंने जो कहा ना, मुद्दों का दिवालियापन हो रहा है इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को। अखिलेश जी के पास मुद्दे नहीं है तो प्रवक्ता क्या बोलेंगे? आज सारे चतुर्दिक, देखिए मुस्कान जी, चतुर्दिक चारों दिशाओं की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक चले जाइए, देवरिया से ललितपुर तक चले जाइए, जो नगर निगम है, जो नगर पालिका है, उसमें अगर कहीं भी कोई अपने काम में कोताही करते हुए पाया गया तो सस्पेंड भी किया गया है। जनता की जो शिकायतें हैं प्राथमिकता से हम लोग दूर करने की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है, प्रदेश है, तो आज अभी हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, कुछ इंडेक्स की बात कर रहे थे और गिना रहे थे, पाकिस्तान हमसे हंगर इंडेक्स में बड़ा आगे था। क्या स्थिति है उसकी, उतने ही बड़े हम लोग हैं। तो ये किसी से तुलना मत कीजिए। अपने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सबसे बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज भी आशीर्वाद स्वरूप जो है वोट परसेंटेज बता रहा है कि किस तरीके से आज वोट पड़ रहा है और फिर हम 17 के 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने जा रहे। ठीक है रविंद्र जी, अभी अश्विनी शाही जी लगातार दो बार से ये कह रहे हैं कि मुद्दों का दिवालियापन, मुद्दों का दिवालियापन। आप जरा हमारे दर्शकों को एक बार समाजवादी पार्टी के मुद्दे बता ही दीजिए ताकि उनका ये सवाल ही खत्म हो जाए। असल में ये लोग घबराए हुए हैं। झूठ बोलने वाला आदमी घबराता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया, ना तो मैंने हंगर इंडेक्स का किया। अब इतनी घबराहट है उनके अंदर में
कि बिना पाकिस्तान के उनका डिबेट पूरा होता ही नहीं है। अब ये अपनी अयोग्यता सुन ले, मुद्दा जो है पूरा, जो मुद्दा मैं इको ग्रीन बता रहा हूं, 8 साल से इको ग्रीन काम कर रही थी, वो भ्रष्ट कंपनी थी। तो अगर 8 साल से भ्रष्ट कंपनी काम कर रही थी तो लखनऊ का 2 नगर निगम का कार्यकाल कितना अयोग्य था कि एक भ्रष्ट कंपनी को 8 साल से काम करा रहे थे, पहला मुद्दा है। जो दूसरा मुद्दा है, लखनऊ सहित पूरे निकायों में लगभग गिरकर दुगना कर दिया गया है, लाइसेंस जितनी भी वृद्धि थी सब डबल कर दी गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाया गया था उस पे इन लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार ने जो अभी बजट सत्र चला पिछला वाला 52% खर्च कर पाई। अगर 52% खर्च करेगी तो नगर निकायों को 30% पैसा भी नहीं मिलेगा, तो 30% पैसा सैलरी और डीजल में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। किस बात के विकास की बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात कहते हैं, लखनऊ की बात कर ले रहे हैं, यहाँ गाय पालने का 31 रुपया था, उसका बढ़ा के इन लोगों ने 500 रुपया कर दिया। कुत्ता पालने का 500 रुपये था, 1000 रुपये कर दिया। ई रिक्शा को पहले फ्री था, पहले RTO के अंदर लेके आए, अब उसके ऊपर 150 रुपया लगा दिया, सॉरी 1500 रुपये लगा दिया। तो इन ये किस चीज की सफाई देना चाहते हैं ये? लेकिन रविंद्र जी, मुद्दे की बात बताए कि आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है, क्योंकि वो तो दिवालियापन, एक सेकंड सुन लीजिए जी। मुद्दों का दिवालियापन तब होता है जब मुख्यमंत्री चढ़ के उस पे मंच पे कट्टा गुंडा और बम की बात करता है। अगर उनके पास मुद्दा रहा होता तो किसी भी मंच से कट्टा गुंडा बम नहीं होता। इनके दो मुख्यमंत्रियों को भी हमने देखा है, हमारे भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वो मुख्यमंत्री ही नहीं है, पीठाधीश्वर भी है। तो मुद्दों का दिवालियापन इनके पास है, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, गैर संवैधानिक है, लेकिन कहा है तो इनको मैं रिबाउंड कर रहा हूं, धन्यवाद। लेकिन रविंद्र जी, आखिर मेरा सवाल अभी तक जस का तस, और शायद अश्विनी शाही जी आपका भी सवाल जस का तस बना रहा होगा कि आखिर सपा किन मुद्दों पर निकाय चुनाव लड़ रही है। मैंने बता दिया, मैंने आपको मैंने बता दिया। अगर और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, आप ही समझ नहीं दे रही थी। क्या है, मैं आपकी पार्टी का मुद्दा जानना चाह रही हूँ। ये तो आपने भाजपा की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसको गिनाया, लेकिन आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे यही तो हैं कि जो ये नगर की सफाई नहीं कर पाए, स्ट्रीट लाइट नहीं दे पाए, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर पाए, जो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, 2,210 करोड़ रुपए आए थे केंद्र राज्य सरकार मिला के, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी के रूप में दर्शित करते हैं, लखनऊ का कूड़ा, लखनऊ का लाइट सिस्टम, लखनऊ की सड़क और लखनऊ का AGUI सबसे खराब होता है। हम उसको सही करेंगे और हमने करके दिखाया है अपने कार्यकाल में। आज जिन सड़कों पे ये चल रहे हैं, शहीद पथ हो या कोई भी सड़क हो, जो सबसे अच्छी बिल्डिंग है, जो सबसे अच्छा स्टेडियम है, जो सबसे अच्छा अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया, वो हमारा है। इन्होंने क्या किया है, राम मनोहर लोहिया को हमने फ्री बनाया था जनता के लिए, इसमें इन्होंने 100 रुपए फीस लगा दिया, एडमिशन फीस 0 था, इन्होंने 2,500 रुपए कर दिया। हम फिर से फीस उसको फीस लेस करेंगे। दूसरा KGMU जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी सारी सर्विसेज को इन्होंने पेड अप कर दिया और दलालों के हाथों में दे दिया हुआ है। तो ये और चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू हर साल लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके ये मुद्दे तो हम लेके गए ही हुए जनता के बीच में, ठीक है। ये बताओ ना, कट्टा 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 गुंडा होगा क्या, मुद्दा होगा क्या, गुंडा मुद्दा होगा क्या, माफिया मुद्दा होगा क्या? गिरा दे अपने मुद्दे गिरा दे। इनका मुद्दा ये था कि गोरखपुर में इनके खिलाफ इनके इनके जो निवर्तमान विधायक थे, वर्तमान में राज्यसभा के विधायक हैं, सीवरेज सिस्टम इतना खराब था कि उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया, धरना प्रदर्शन किया। मुद्दे ये हैं और उसको हम ठीक करेंगे। और हम उस समय राजा मोहन जी के साथ खड़े हुए थे जबकि वो भाजपा में थे, ठीक है, जब उन्होंने विद्रोह किया था, प्रदर्शन किया था। ठीक है रविंद्र जी, मैं वापस आऊंगी जी। अश्विनी शाह जी, 10 सेकंड में अपनी बातों को पूरा करिए जी। देखिए, इतना इन्होंने मुद्दा गिना दिया, इन्होंने अपने काम गिनाए कि हमने काम किया। भाई काम हर सरकार करती है और करना चाहिए, जनता के टैक्स का पैसा है, कोई ऐसा कोई एहसान कोई सरकार नहीं करती है, ना योगी सरकार कर रही है, ना अखिलेश सरकार ने किया था। हाँ, उनके कार्यकाल में उतना काम हुआ था, वो गिना रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे,
हमने तो रेहड़ी पटरी वाले जो शहर में रहते हैं उनको लोन देकर उनको स्थायित्व की बात की, हम मकान देने की बात कर रहे हैं, हम पानी देने की बात कर रहे हैं, हम मार्ग प्रकाश जहां नहीं है वहां मार्ग प्रकाश देने की बात कर रहे हैं, हम गुंडों को मिटाने की बात कर रहे हैं कि शहर में जो है कोई भी व्यक्ति रात में 12 बजे कोई भी माताएं बहने हमारी गहने पहन के निकल सके। आज वही चीज हो रहा है। आप पश्चिम में जिस तरीके से 4 बजे के बाद कोई माताएं बहने अपने भाई अपने पति अपने पिता के साथ निकल नहीं सकती थी, ये स्थिति थी, कहीं छेड़खानी हो जाती थी, कहीं कुछ होता था। मिशन शक्ति को हमने बढ़ाया, हमने पुलिस पर इतना पुलिस पेट्रोलिंग करता है कि वो घटनाएं वहां बंद है। आप पश्चिम का रिपोर्ट बना लीजिए मुस्कान जी, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम यानी कि मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ तक जो पश्चिम के जिले हैं कितनी शांति है वहां पर। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको नाली देखिए जो नाली और सड़क होती है मोहल्लों की उनके रखरखाव और उनके उसके लिए जो बजट दिया गया था सारा बजट खर्च हुआ है और हमारे पास डेटा है। मैं अभी यात्रा में हूं, मेरे पास डेटा, मैं बता देता कि कितना बजट इन लोगों ने नहीं खर्च किया और आज कहते हैं कि हमने नहीं खर्च किया। चलिए ठीक है, ये बजट और डेटा ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन अब मैं सीधा चलती हूँ सुनील त्रिपाठी जी के पास। सुनील जी, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि जो निकाय चुनाव होता है वो आम लोगों के मुद्दों का चुनाव होता है, लेकिन फिर इस बार भी जो चुनाव है वो माफिया गुंडों पर ही आकर टिका। अभी आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं का बयान सुना, लेकिन अब मैं अगर 2017 के एक बार फिर से मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट पर जाऊं तो अक्सर कहा जाता है कि जो भाजपा है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, तमाम अपराधी है, तमाम माफिया है, लेकिन गाजियाबाद और अयोध्या दो ऐसी जगह है जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों किसी ना किसी तरीके के आरोप में सिद्ध पाए गए थे। जी देखिए मुस्तान जी, हम आरपी सिंह जी की एक बात से तो सहमत पूर्ण रूप से हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पे जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया या सेवाओं को बढ़ाया है इससे तो जनता आहत हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के अथक प्रयास के बावजूद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए देखिए वहां क्या व्यवस्था है, चाहे आप लोहिया चले जाइए, और स्वास्थ्य सेवाएं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सस्ती थी, ये तो हम नहीं हर मीडिया वाला जान रहा है, और आज इतनी महंगी हो गई है कि स्वास्थ्य भगवान न करे किसी खराब जिनका खराब होता है, जरा उनके घर वालों से पूछिए कि वो कितना आहत होते हैं तन से भी मन से भी धन से भी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि अगर सारे कार्य समाजवादी पार्टी ने अच्छे किए थे तो हासिये क्यों आ गई। देखिए ये चीजें तो वही व्यक्ति जानता है जो व्यक्ति बीमार होता है या हॉस्पिटल जाता है। ठीक है मुस्कान जी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज है कि इसकी हवा ग्रामीण अंचलों से लेकर के शहर के कोने कोने पहुंचती है। कहीं बलात्कार हो गया, कहीं डकैती हो गई, कहीं छिनैती हो गई, कहीं हत्या हो गई, ये चर्चाएं छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके सबके कानों तक पहुंचती हैं और जनता वही सोचती है कि हम सेफ, और यही कारण रहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे भले ही आप किसी को बुरा लग रहा हो सरकार कहीं फेल हुई और भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के आ गई। अगर लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश ने सुधार लिया होता ठीक है तो शायद जी, और इस चुनाव में भी मुस्कान जी इस चुनाव में भी ऐसा नहीं है कि 17 सीटें सब भाजपा की ही आ जाएंगी, टक्कर है। अब ये तो 13 तारीख को ही पर्दा उठेगा कि 24 चुनाव में कौन आगे जा रहा कौन पीछे जा रहा है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा 13 मई को। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि ये जो चुनाव होता है ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समस्याओं का चुनाव होता है, सड़कों का चुनाव होता है, दुरुस्त व्यवस्थाएं करने का चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी अतीक अशरफ हत्याकांड की गूंज सुनाई दी, माफियाओं जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल सुनाई दी। तो बड़ा सवाल जसका तस यू ही बना हुआ है कि जब शहरी क्षेत्र का चुनाव होता है, आम जनता की समस्याओं का चुनाव होता है, तो ऐसे में अतीक अशरफ हत्याकांड को भी इस कानून का कहीं ना कहीं इस चुनाव का मुद्दा बनाया गया। तो बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण की लड़ाई जो है वो अपने रोमांचक मोड़ पर आकर पहुंच चुकी है, क्योंकि 2017 के अगर हम फिर से मेयर के आंकड़ों की जिक्र करें तो इस दौरान कुल 6 सीटों पर दूसरे चरण की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, जहां पर 4 सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट जीते थे, तो वही 2 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी के कैंडिडेट शामिल हुए थे। लेकिन
फिर अगर दूसरे चरण पे हम चलते हैं तो दूसरे चरण एक पश्चिमी बेल्ट में आता है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र आता है दूसरे चरण में ज्यादातर। और यहाँ कहा जाता है कि जो सपा का है ये जो पकड़ है कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो भाजपा के लिए ये दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण और बड़ा होने वाला है। तो मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान का एक बड़ा आरोप, सपा विधायक अतुल प्रधान ने एक बड़ा आरोप लगाया पुलिस इंचार्ज फतेलापुर पर, फर्जी वोट डलवाने का इस दौरान आरोप भी लगाया गया है। तो आपको बताते चले कि सपा विधायक की पत्नी सीमा प्रधान सपा से मेयर पद की प्रत्याशी है। ट्वीट कर विधायक ने चुनाव आयोग से कार्रवाई किए जाने की भी मांग किया। तो ये अतुल प्रधान का ट्वीट भी प्राइम टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतुल प्रधान का ट्वीट है जहां मेरठ के सरदना सीट से विधायक के अतुल प्रधान, इस ट्वीट पे उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ ही कार्रवाई किए जाने की भी अपील की। औरैया में बीजेपी के बस्ते पर बैनर पोस्टर फाड़ने पर गुस्साए कार्यकर्ता, सूचना पर पहुंचे बीजेपी की सदर विधायिका, गुड़िया कठेरिया के सामने हुई बहसबाजी हुई है। तो आपको बताते चले कि बहसबाजी की भी तस्वीरें सामने आई जहां बैनर फाड़ने वाला अपने आप को जोनल टू का ड्राइवर बता रहा था। विधायक गुड़िया कठेरिया के समझाने पर मामले को शांत भी कराया गया, फिलहाल मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया गया है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में बौखलाहट का दौर जारी है। वही गुड़िया कटेरिया ने कहा कि बौखलाहट से लोग अब ये सब काम कर रहे हैं। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के जो राजकुमार दुबे हैं बहुत अच्छा वोट पड़ रहा है और अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। नगर में पूरे जिले में जो है छह नगर पंचायत है, एक नगर पालिका है जिसको में बीजेपी के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। आज क्या स्थिति, आपने विधायिका हैं, क्या जिम्मेदारी के मैं हर जगह घूम के आई है, देखा है कि हमारी छह नगर पालिका पंचायत है, एक नगर पालिका, हम साथों साथ जीत रहे हैं। किससे टक्कर मान रहे हैं? टक्कर अपनी टक्कर है, जब हमारी जीत रही टक्कर किसी से नहीं है, स्वयं बिल्कुल हमें देखने को मिला है जो हर बूथ पर, तो डायरेक्ट है और सीट हमारी बहुत अच्छे से निकल रही है। और तो अरैया में बीजेपी के बस्ते पर बैनर पोस्टर फाड़ने पर जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं गुस्साए नजर आए। वही गुड़िया कठेरिया ने लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल मामले को शांत करवा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, बैनर फाड़ने को लेकर के बड़ा विवाद देखने को मिला है, इस दौरान स्थिति कैसी है वहां की? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ थे उस बूथ पे जो पर्चे लगे हुए थे तो कुछ लोगों ने पाए, और वहीं गुड़िया कठेरिया की बहस भी, जो विधायिका है गुड़िया कठेरिया उनकी बहस भी हुई है, इसी को लेकर अब मामला शांत है और शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। जी मैम बिल्कुल, धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे अभद्रता करने के आरोप, तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने के आरोप बुलंदशहर में लगाए गए हैं। सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने इस दौरान अभद्रता करने का आरोप लगाया है, उनकी रोते बिलखती तस्वीरें और फोटोज भी अब लगातार सामने आ रही है, फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ये वही प्रत्याशी है जिन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल बूथ का ये पूरा मामला बताया गया है जहां सपा प्रत्याशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रत्याशी अर्चना पांडा ने इस दौरान अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ये प्राइम टीवी लगातार अब तक खबरें पहुंचा रहे हैं जहां सपा की प्रत्याशी अर्चना पांडा फूट फूट कर रोती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल बूथ का ये पूरा मामला बताया गया है जहां सपा के प्रत्याशी अर्चना पांडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है अर्चना पांडा जिसने जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इकराम हमारे साथ जुड़े हैं। इकराम, जिस तरीके से सपा की जो प्रत्याशी है वो रोती बिलखती हुई नजर आई है, जिनका वीडियो भी आपने भेजा है, तो क्या कुछ था ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए
कार्यकर्ता है जो बुलंदशहर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है। यहाँ बुलंदशहर के यमुना प्रमंड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में मतदान चल रहा था, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ अभद्रता करने का इनके द्वारा आरोप लगाया गया, जिसको लेकर ये लगातार वहाँ विरोध करती रही और रोते बिलखते इन्हें देखा गया जी। ठीक है, इस मामले पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस भी सतर्क है, पूरे जनपद भर में लगातार अधिकारीगण भी बूथ केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं, मौके पर पुलिस फोर्स भी तमाम बूथ केंद्रों पर तैनात है। जब ऐसा बड़ा मामला प्रशासन ने और पुलिस ने देखा तो तत्काल वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम कराएगी, लगातार मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन निगराम, इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिस तरीके से सपा की प्रत्याशी रोती हुई नजर आ रही है, तो बूथ के पास आखिर पुलिस कहाँ थी जो अभद्रता हो जाती है ऐसे प्रत्याशी के साथ? बिल्कुल, पुलिस भी अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही थी, हालांकि पूरा मामला ये जांच का विषय है क्योंकि उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। अब आरोप कितने सही है कितने गलत है यह कोई तथ्य सामने नहीं आया है, बस उनके द्वारा आरोप लगा करके वहाँ थोड़ा हंगामा किया गया, उनके द्वारा अपने आप को प्रताड़ित होने का दावा किया गया, जो एक जांच का विषय है और पुलिस ने मौके पर रहते हुए तमाम शांति व्यवस्था कायम करके मतदान शुरू करा दिया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इकराम, ये जांच का तो विषय है, लेकिन उस दौरान जो सपा की प्रत्याशी है अर्चना पांडा, उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है, क्या किसी कार्यकर्ता का उनके द्वारा नाम भी लिया गया है? देखिए, उनका आरोप ये था कि वो मतदान केंद्र में जैसे मतदाता आ रहे थे उनको लेकर अंदर एंट्री कराई जा रही थी, उनका आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उनका विरोध किया और उनसे अभद्रता की, जिसको लेकर कहा सुनी जैसा माहौल वहां बना और ये एक महिला होने के नाते ये कूट कूट कर रोने लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरा शांति व्यवस्था को कायम कराया जी। बिल्कुल, धन्यवाद इकराम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मिर्जापुर में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई हैं। पंडित गुप्ता राम इंटर कॉलेज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल अनुप्रिया पटेल ने किया है। अनुप्रिया पटेल ने जनता से 100% वोटिंग की भी अपील की है। तो आपको बताते चले कि अनुप्रिया पटेल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। बाराबंकी में चुनाव आयोग की अव्यवस्थाएं आई सामने, तो बाराबंकी में भी चुनाव आयोग की अव्यवस्थाओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। डिग्री कॉलेज रामनगर से अव्यवस्था की तस्वीर आई है सामने, जहां जो दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, विकलांगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। दिव्यांगों को गोद में उठाकर कार्यकर्ता ले जाते हुए नजर आए, तो ये अव्यवस्था देखने को मिली है बाराबंकी से, जहां पर दिव्यांगों के लिए ना तो व्हीलचेयर्स की व्यवस्था मौजूद रही और बूथ पर लगातार कार्यकर्ता जो है वो लोगों को मताधिकार दिलाने के लिए तमाम जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए।